तो इस मूवी की शुरुआत में हमें रिचर्ड और एंथनी की बचपन की वीडियोस दिखाई जाती हैं। ये दोनों भाई हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रिचर्ड अपने छोटे भाई एंथनी का ज्यादा ही ख्याल रखता है क्योंकि एंथनी दिमागी तौर पर थोड़ा वीक था, लेकिन फिर वक्त गुजरा, ये लोग बड़े हो गए और रिचर्ड आर्मी में चला गया और ऐसे एंथनी बेचारा अकेला पड़ गया। सिंकट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ हम देख रहे हैं कि रिचर्ड वापस अपने टाउन में आया है। टाउन में आने पर जैसे सभी लोग खुश होते हैं वैसे रिचर्ड खुश नहीं, वो गुस्से में लग रहा है जैसे वो कुछ खतरनाक करने के लिए आया हो। असल में सालों पहले जब वो एंथनी को अकेला छोड़ गया था तो तब उसके पीछे कुछ ड्रग माफिया के लोग लग गए। उन्होंने एंथनी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसे नशे करवाए, उसे अब्यूज किया और ये सब रुका नहीं, सालों तक चलता रहा। रिचर्ड को जैसे ही इस मामले का पता चला तो वो फौरन अपने भाई का बदला लेने छुट्टियां लेकर अपने टाउन में आ गया। यहाँ आते ही वो अपने भाई से कहता है, फिक्र मत करो, अब तुम्हें हाथ लगाना तो दूर कोई तुम्हें बुरी नजर से देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। हम देखते हैं कि ये दोनों भाई छोटे से फार्म हाउस पर रुके थे। सुबह होते ही वो अपने भाई की मुजरिमों की तलाश में एक कैफे में चला जाता है जो कैफे ड्रग माफिया के लीडर का था। कैफे में उसे नजर आता है हार्पी नाम का एक आदमी जो ड्रग सप्लाई का काम करता है। रिचर्ड काफी देर तक जब उसे घूरता रहा तो इस आदमी ने भी रिचर्ड से पूछ लिया, भाई क्या बात है उसकी। तक कहते ही रिचर्ड भी यहाँ गुस्से से चिल्ला जाता है और उसके गुस्से से डरते हुए ये आदमी यहाँ से जा चुका था। ऊपर जाकर वो ड्रग माफिया से ड्रग लेता है और अपने घर के लिए निकल ही रहा होता है कि उसके सामने दोबारा रिचर्ड आ चुका था। रिचर्ड को देखते ही उसकी सांसें फूल जाती हैं, वो डर रहा था पर रिचर्ड उससे हाथ मिलाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम पर। वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं। ये कहते ही वो यहाँ रुका नहीं था, यहाँ से भाग चुका था क्योंकि वो जानता था कि रिचर्ड एंथनी का भाई है। यही बात वो जाकर अपने दोस्तों को भी बताता है कि रिचर्ड इन्हीं एंथनी का भाई वापस आ चुका है। ये सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो सारे पल आने लगे जब उन्होंने एंथनी के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया था। अब यहाँ रात होने पर रिचर्ड एंथनी से कहता है, मुझे किस काम से टाउन में वापस जाना होगा। टाउन का नाम सुनकर एंथनी डर चुका था, वो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। रिचर्ड कहता है, ठीक है तुम यही रुको, मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। यहाँ सीन कट होकर दिखाया जाता है कि हार्बी के घर पे किसी ने नॉक किया। हार्बी जब देखने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ गैस मास्क पहना एक आदमी खड़ा था। हार्बी ने पहचान लिया कि ये रिचर्ड है, उसे लगा कि रिचर्ड उसे मारने आया है, इसलिए डरकर उसने अपने दोस्तों को भी बाहर बुला लिया, मगर बाहर तो अब कोई भी नहीं था। जब ये लोग घर के अंदर वापस आए तो दीवार पर उनके लिए वार्निंग लिखी थी जिससे इन्हें पता चला कि रिचर्ड इनके घर आया था पर अभी इन्हें मारने नहीं सिर्फ इन्हें डराने धमकाने। वो मिशन में कामयाब हुआ यानी ये लोग बुरी तरह डर भी गए। बहुत मुश्किल से ये रात गुजारने के बाद सुबह होने पर वो अपने गैंग लीडर के पास रिचर्ड का मसला लेकर जाते हैं कि वो इनकी कोई मदद करे, पर गैंग लीडर का तो अपना ही चेहरा रिचर्ड एक क्लोन की तरह बना गया था जिसका उसे पता नहीं चला क्योंकि रात में वो नशे में था। हार्बी उसे बताता है कि ये सब क्या धरा रिचर्ड का है, एंथनी का भाई जो उसका बदला लेने के लिए वापस आया है। एंथनी का नाम सुनते ही उसके भी तोते उड़ चुके थे क्योंकि उसने ही एंथनी को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया था। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में इनके बाकी ग्रुप के मेंबर्स भी आ जाते हैं जिनका भी गैंग लीडर वाला ही हाल था। इन सबको डर के साथ साथ गुस्सा और तकलीफ इस चीज की थी कि शहर के सभी लोग इनसे डरते थे और यहाँ कोई इन्हें डरा रहा था। जरूर उनके पीछे कोई बड़ी स्पोर्ट है। ग्रुप लीडर को लगता है कि उनके ग्रुप में काम करने वाली लड़की नहीं रिचर्ड को एंथनी के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में बताया है, इसीलिए वो जाकर इस लड़की को कोर्ट टॉर्चर करते हैं, पर ये लड़की भी मासूम है, उसने ऐसा कुछ रिचर्ड को नहीं बताया। ये लोग अभी यहाँ से निकलते ही हैं कि करीब ही उन्हें रिचर्ड खड़ा हुआ नजर आ जाता है। रिचर्ड को देखकर बाकी सब भाग चुके थे लेकिन गैंग लीडर यही खड़ा हो जाता है। वो रिचर्ड से पूछता है, बताओ मसला क्या है तुम्हारा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता हमसे। जवाब में रिचर्ड कहता है, अरे डरना तो तुम्हें चाहिए, मुझे धमकियां देने से पहले ये सोचो कि अगर मैं चाहता तो कल रात ही तुम्हें मार देता, लेकिन मैंने तुम्हें क्लोन बनाकर छोड़ दिया। गुस्से में अब गैंग लीडर बोलता है, आखिर तुम्हें अब चाहिए क्या। रिचर्ड कहता है, जो भी चाहिए तुम सबको बता दूंगा, लेकिन तुम सब मेरे फार्म हाउस आ जाना। रिचर्ड का एटीट्यूड इन्हें और भी ज्यादा परेशान कर गया था। रात में गैंग लीडर अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर रिचर्ड को मारने का प्लान बनाता है। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि ग्रुप का एक मेंबर उठकर वॉशरूम में चला गया। काफी देर तक वापस आने पर ये लोग बाथरूम में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें अपने साथी की लाश मिलती है जिसे कुल्हाड़ी से मारा गया था और उसके पीछे लिखा था वन डाउन यानी एक मर गया। ये लोग जो रिचर्ड को मारने का प्लान कर रहे थे, रिचर्ड ने प्लान बनाने से पहले ही उनके एक आदमी को मार दिया। अब तो गैंग लीडर को भी डर लगने लगा था। रात वो इसी सदमे में गुजारते हैं
लेकिन सुबह होते ही गैंग लीडर रिचर्ड को मारने के लिए अपने बाकी ग्रुप के साथ मिलकर रिचर्ड के फार्म हाउस की तरफ निकल जाता है। उसने रिचर्ड को मारने के लिए एक राइफल रखी थी। वो अपने एक साथी को फार्म हाउस के अंदर भेजता है ताकि वो रिचर्ड को बाहर निकाल कर ला सके। उसके बाहर निकलते ही ग्रुप लीडर उसके ऊपर राइफल से गोली चला देता है, लेकिन ये गोली रिचर्ड को लगने के बजाय उसके अपने साथी को लग चुकी थी। उसकी गोली से उसका अपना ही साथी मारा गया था। ये बेवकूफ गैंग लीडर सिर्फ एक ही गोली लेकर आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक ही गोली से रिचर्ड को मार देगा। अब उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। ना चाहते हुए अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वापस शहर की तरफ जाना पड़ता है। इनकी बुरी किस्मत कि थोड़ा ही दूर जाने पर इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसे डलवाने के लिए वो एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। इस टाइम डर के मारे इनकी हालत बहुत खराब थी। यहाँ उनका एक साथी जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, वो अब वापस टाउन में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि रिचर्ड उन्हें मारने वहां जरूर आएगा। वो इन सबसे भी कहीं और जाने को कहता है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को राजी नहीं हुआ, इसीलिए वो अकेला ही इन्हें छोड़कर चला जाता है। एक और बुरी खबर उन्हें ये मिली कि अब उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। ना चाहते हुए इन्हें बागी का सफर पैदल तय करना पड़ता है। ये लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि जब तक एक साथ रहे तब तक जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं। चलते चलते आखिर के लोग गैंग लीडर के घर पहुंच गए। यहां आते ही ये लोग अपने अपने वेपन्स उठा लेते हैं और सबसे पहले घर का ऊपर वाला पोर्शन चेक करने के लिए जाते हैं कि कहीं रिजल्ट उनसे पहले यहां पहुंच कर छुप तो नहीं गया। छुपा तो वो इनके ही घर में था, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में नहीं, अभी किचन में। वो यहाँ पर इनकी कैंती में इनके ही ड्रग्स डाल देता है। ये लोग उसी कैंती में चाय बनाकर पी लेते हैं, जिसके बाद इन सबकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ड्रग की डोज बहुत ज्यादा थी, जिससे ये होश खोने लगे थे। ऐसे तड़प रहे थे ये लोग जैसे बिना पानी की मछली। इस टाइम रिचर्ड उन्हें अपने भाई के दर्द का एहसास दिलाने के लिए थोड़ा सा टॉर्चर करता है, और फिर गैंग लीडर को एक दूसरे रूम में ले जाकर उसके सर के ऊपर एक शॉपर बांध के उसके सर पे गोली चलाकर उसे मार देता है। जिसके बाद अब वो जाता है हार्वी के पास। वो हार्वी को मारता नहीं, उससे कहता है, तुम थोड़े बेहतर लगते हो इन सब में, इसलिए मैं तुम्हारा इन जितना बुरा हाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें मेरा भी साथ देना पड़ेगा। ये कहते ही रिचर्ड सूटकेस खोलता है, जिसके अंदर इनके उस साथी की लाश को तोड़ मोड़ के रखा गया था, जो सुबह में इन्हें छोड़कर टाउन की दूसरी तरफ भागा था। हार्वी ये देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और रिचर्ड की मदद को मान जाता है। रिचर्ड को इनके ग्रुप के एक और मेंबर का पता चलाना था, जिसका नाम है मार्क। हार्वी रिचर्ड को उसका पता दे देता है, जिसके पता चलते ही रिचर्ड हार्वी को गले लगाता है। उसने गले यहाँ दोस्ती के लिए नहीं लगाया, बल्कि उसने तो यहाँ हार्वी को गले उसे धोखे से मारने के लिए लगाया था। वो पीछे से हार्वी को स्टैब करके मार चुका था। सीन कट होकर अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने भाई एंथनी को लेकर मार्क के टाउन में आ चुका है। यहाँ उसे सबसे पहले मार्क के बच्चे दिखते हैं, जिन्हें वो एक चाकू और एक मास्क देता है और कहता है, जाओ बेटा इन्हें अपने घर ले जाओ, और कहना कि ये सोल्जर ने दिए थे। घर जाते ही बच्चे ये मास्क और ये चाकू मार्क को दे देते हैं। मार्क इन चीजों को देखकर डर जाता है और इन बच्चों को गाड़ी में बिठाकर वहां ले जाने लगता है, जहां सोल्जर इन्हें रिचर्ड इन बच्चों को मिला था। ये सब असल में रिचर्ड का प्लान था कि मार्क घर से बाहर चला जाए। इस टाइम रिचर्ड उसके घर के पास ही था, जो उसके जाते ही उसके घर पे नॉक करता है और उसकी वाइफ से कहता है कि जब मार्क आए तो उसे बताना कि एंथनी का भाई रिचर्ड आया था। घर आने पर मार्क की वाइफ मार्क को ये बात बता देती है, और एंथनी का नाम सुनते ही खौफ से उसका भी दिमाग उलट जाता है। उसे भी अब मौत अपने करीब नजर आ रही थी, इसीलिए मरने से पहले वो अपनी वाइफ को खुद ही सच्चाई बता देता है कि एंथनी उनके ग्रुप का एक छोटा मेंबर था। उसके ग्रुप के सभी लोग मिलकर उसे अब्यूज करते थे, उसे ड्रग्स करवाते थे, और वो कुछ कर भी नहीं पाता था क्योंकि वो थोड़ा सा पागल था। मार्क अपनी वाइफ से कहता है, मेरा यकीन मानो, मैंने कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया, कभी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने बुरा होने से रोका भी नहीं, और मेरे ऐसा करने से ये बुराई इतनी बढ़ गई कि एक दिन ग्रुप वालों ने उसे बहुत ओवरडोज कर दिया। फिर अपनी हवस निकालने के लिए उसे बहुत मारा, फिर भी उनका दिल नहीं भरा। तब उसकी गली में फांसी का फंदा डालकर बार बार ऐसे करवाया जैसे वो फांसी पर लटक रहा हो। उस टाइम एंथनी चिल्ला चिल्लाकर अपने भाई को बुला रहा था, लेकिन इन सब लोगों ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि अगर तुम ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम्हारे भाई को गोली लग जाएगी, वो मर जाएगा। इस सबसे भी जब उनका दिल नहीं भरा तो वो उसे एक खतरनाक अंधेरे से भरे कमरे में बंद कर गए, जहाँ एंथनी ने अपने आप को सच में फांसी लगाकर मार दिया। इन्हीं यहाँ कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस एंथनी को हम रिचर्ड के साथ साथ देख रहे हैं, पता चला है कि वो एंथनी तो काफी सालों पहले मारा जा चुका है। रिचर्ड के साथ जो एंथनी हमें नजर आ रहा है, वो तो सिर्फ रिचर्ड की इमेजिनेशन है। रिचर्ड को इस चीज का रिग्रेट था कि वो अपने भाई को छोड़ गया,
और उसके छोड़ जाने की वजह से उसके भाई की मौत हो गई। इसीलिए वो इन सारी चीजों का बदला लेने के लिए यहाँ वापस आया था। रिचर्ड जब अपने भाई एंथनी के फ्यूनरल पे आया था, एक फौजी होने के नाते उसने तभी भाप लिया था कि ये कोई सुसाइड नहीं है, और तभी से वो अपने भाई की मौत के पीछे सच्चाई जानने में लगा था। गुजरते वक्त के साथ साथ उसे ये मालूम हुआ कि ये पूरा ग्रुप ही उसके भाई की मौत का जिम्मेदार था, इसीलिए वो इन सबको मारना चाहता था। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड मार्क को लेकर उसी अंधेरे कमरे में आ जाता है जहाँ पर एंथनी ने सुसाइड किया था। वो गुस्से से मार्क से पूछता है, बताओ उसने जब मेरा भाई मरा तो वहाँ क्या क्या हुआ था। मार्क वो सारी स्टोरी सुना देता है जो भी उसने अपनी वाइफ को सुनाई थी। वो रिचर्ड से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने एंथनी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हाँ मेरी गलती इतनी थी कि मैंने बुराई को रोका भी नहीं। जवाब में मार्क उसे कहता है कि मैंने सबकी गलतियों के बदले तो ले लिए, लेकिन अब मेरी गलती का हिसाब कौन करेगा। वो यहाँ रोते हुए मार्क को बताता है कि मैं भी अपने भाई एंथनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मुझे भी वो बोझ लगता था, इसलिए मैं उसे छोड़कर चला गया। यही गिल्ट आज तक मुझे सता रहा है, मैंने भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया और इस चीज का बदला मुझे भी मिलना चाहिए, तो मुझे मार दो। मार्क उसे यहाँ मारना नहीं चाहता था, लेकिन रिचर्ड के बार बार फोर्स करने पर मार्क उसे पेट में स्टैब करके मार देता है। मार्क की जान बच गई क्योंकि उसने कुछ बुरा नहीं किया। वो अब घर वापस जाने लगा था और उसको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।